तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड कट चुकी है, बहुत ही खतरनाक तरीके से कट गई है। यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर काम चालू हो सके और ये रास्ता सुधर सके, वरना यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बोरी रख दी गई है तो ये बोरी भी, ये नदी इतनी ख़तरनाक है कि ये बोरी काम नहीं करेगी, यहाँ पर बोल्डर की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड कट गई है, मेरी बाइक वहाँ पर खड़ी हुई है। देख सकते हैं आप। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूपी की सरकार तक पहुँच जाए। देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है, खाली बोरी रख दी गई। बोरी रखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बोल्डर की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द काम और अच्छे तरीके से चालू हो सके। चलिए हम आगे दत्त नगर की तरफ चलते हैं, राजा राम चौराहा जो है, जो भी है, जहाँ इन लोगों ने बताया वहाँ चलते हैं। अगर जा पाएंगे जा पाएंगे, नहीं तो फिर आधे रास्ते से मुझे वापस ही होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ किसान लोग रहते हैं, पुरिया उरिया डालकर, जैसे छप्पर बोलते हैं, यहाँ तक देखो पानी भर चुका है। इस वजह से ये लोग अपनी गाय भैंस, देखो वहाँ पर देख लीजिए खूंटे दिख रहे होंगे, गाय भैंस लेकर हमारे पड़ोसी गांव में आश्रय लिया हुआ है उन्होंने। आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर भरा हुआ है, यानी ये बाढ़ का प्रकोप है। ये दत्त नगर में ही लगता है, ये जो लोग आए होंगे वहाँ पर वो इसी गांव से आए हुए हैं। ये भी दत्त नगर में लगता है, ये राजा राम चौराहा आगे एक वहाँ पर पुलिस चौकी है। यहाँ पर दोस्तों नाए रखी हुई देख सकते हैं, डोंगी जिसे बोलते हैं। पानी दोस्तों हर जगह जगह पानी भर चुका है। आइए अभी आपको और दिखाते हैं कुछ कहाँ तक पानी भरा हुआ है। दोस्तों हम दत्त नगर मांझा आ गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं जहाँ अभी हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ लोगों से पूछे थे जो लाला जी के मैदान में आए हुए, तो इसी गांव से वो लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस वजह से आए हुए हैं, पानी जो है भर गया हुआ है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर घर बने हुए हैं, छपरे के भी घर हैं यहाँ पर। छपरे हैं साहब, हाँ। तो इस वजह से ये लोग जो है हमारे पड़ोसी गांव बेनीपुर में आए हुए हैं, आश्रय लिया हुआ है। लगभग 300 भैंसे हैं, सब सारे जानवर को अपने लेकर वहाँ पर आए हुए हैं। झर्रू झर्रू करके नाम है जिसे लोग, इनको लंबू जी बोलते हैं। वो अभी मिले नहीं हुए हैं, मिले होते तो उनसे हम बात करते। एक भैया मिले हुए हैं राजू नाम, तो इनसे हम पूछताछ कुछ करते हैं। भैया बताइए यहाँ पर कितने दिन से बाढ़ आई हुई थी? बाढ़ साहब यहाँ 3 बार आ चुकी है। हाँ, और 3 बार में तो 2 बार तनका हल्की रही, लेकिन अब से सब घर द्वार गिर गए जो है छप्पर के। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल भैंस गाय यहाँ से सब तबाही मची है। अच्छा, जितनी बार बाढ़ आई तो सरकार की तरफ से कुछ मदद वदद मिलती है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली अभी। हाँ, अभी कोई मदद नहीं। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती आप लोगों को? मदद नहीं मिली थी आपको, छप्पर के घर देख रहे हो आप, गिर गए, इसमें सब जांग जांग पानी भरा रहा है, बना हुआ खाद व्यवस्था नहीं। हाँ, और जो रास्ते में आप जब जाने लगे यहाँ से ढेमुआ पुल जब जाओगे तो रास्ता जो है सड़क कट गई, उसकी भी कोई सरकार की तरफ से कोई वो नहीं? सरकार की तरफ से कोई ईंटा पाथर गिरा रहे थे, कटान सड़क के रोक रहे थे बस, और जनता की कोई सहायता नहीं। अच्छा, अपनी सड़क के व्यवस्था में। अच्छा, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो रास्ता कटा हुआ है ढेमुआ पुल जाने के लिए,
उसकी जल्दी से जल्दी मरम्मत हो, वरना कोई ना बड़ा हादसा भी हो सकता है कि नहीं? हो सकती है, इसे देहात के मने कुछ बची सका, लेकिन जो बाहरी आ गया तो तुरंत गिर जाएंगे। अच्छा, यहाँ अभी एक हादसा हुआ जो आपने क्या बताया था, दो साढ़ बूढ़ गए, दो साढ़ हाँ बूढ़ गए जलकुंभी में, जलकुंभी में फंस के तालाब में। अच्छा, देख लीजिए, यहाँ पर दो साढ़ कूद गए थे, वो डूब कर मर गए। अभी इन्हीं लोग के सामने सुबह काल निकलवान हम बहुत मुसीबत अच्छा। से निकले हैं तो उनको नदी में फेंका गया। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हम दिखाते हैं कुछ जानवर मवेशी बंधे भी हुए हैं, कुछ लोग तो वहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर कुछ भैंसे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गाय भी बंधी हुई हैं, कुछ भैंस भी बंधी हुई हैं, और किस तरीके से पानी दोस्तों भर जाता है पूरा वहाँ तक। तो ये झरू जी का घर कहाँ पे है? ये झरू जी का घर जमुना घाट से जब उतरोगे जहाँ सड़क कटी है उस सामने माझा में। अच्छा, वहाँ से है ये? वो तो बोले थे दत्तनगर में है। तो दत्तनगर में वहाँ लागे थे सर, पुल जैसे अच्छा। त्रास हो तो ऐसे दत्तनगर है। अच्छा, वो भी दत्तनगर ही लगता है? हाँ, दत्तनगर वो ले तो वहाँ डीहा से ये दत्तनगर माझा वो बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ से ज्यादा वहाँ पे पानी भरा। हाँ, यहाँ से ज्यादा पानी हुआ तो और बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब सड़कियाँ तो पूरा पानी ही पानी, हाँ। तो हम वही वीडियो बनाने के लिए आए हैं कि जहाँ से वो लंबू जो है जो दही बेचते हैं वो लोग वहाँ से हमारे गांव में आश्रय लिए हुए हैं बेनीपुर में, तो उन्हीं की वीडियो बनाने आए हैं कि कहाँ से ये लोग आए हुए थे। तो दत्तनगर में वो है तो उनका घर नहीं जानते हैं ना। पुनः खलिया पुल्हा हाँ हाँ वही पहले ठीक सामने है, वही बलाव उनका वही सड़क पर। अच्छा ठीक ठीक है, वही पुल पर मिले डामर रोड पर। चलो ठीक है, नीचे आप वहाँ नहीं उतर पाओगे, दरिया बहा थी आए हुआ कहाँ जाए तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो देख सकते हैं दोस्तों हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ ज़्यादा पानी आया हुआ। बताइए राजू यादव, राजू अगर दोस्तों राजू इनका नाम है, यहाँ पर इनके घर के पास बाढ़ आ चुकी है, तो अगर कोई हेल्प करना चाहता है या सरकार अगर देख रही है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये लोग बाढ़ पीड़ित हैं, बहुत ही दिक्कत हो रही है खाने पीने की हर चीज़ की दोस्तों। यहाँ पर अनाज और जैसे इन लोगों के मवेशी जो हैं जैसे गाय भैंस है, इसके चारे की भी बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत, कुछ है नहीं, सब भाग गए यहाँ से छोड़ के माझा से। तो इनका नाम आपने राजू बताया, इनका आधार भी है, आधार नंबर भी है, देख सकते हैं अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है। आप यहीं पे रहते हैं, आपका घर कहाँ पे है? बस यही बगल है। अच्छा, तो